क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि लखनऊ में एक ऐसा चमत्कारी बाबा रहते हैं जिनके दावे सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह जाएंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनोद कुमार जी महाराज की, जो आशियाना के बालाजी मंदिर के महंत हैं। आइए जानते हैं उनकी चमत्कारी कहानियों और दावों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। 90 से हम सेवा कर रहे हैं बालाजी महाराज की, ऐसी कृपा हुई जो भी कोई यहाँ आता है, चाहे जिस तरीके की परेशानी हो, चाहे भूत प्रेत बाधा हो, वो भी उसकी ठीक हो जाती है। 5 मंगल अर्जी लगाते हैं, काली जी का बंधन कटाते हैं, एक पंच दिव्य सामग्री के नाम से प्रसाद है यहाँ, उस प्रसाद का सेवन करते हैं, 99% लोग ठीक हो जाते हैं। विनोद कुमार जी महाराज का दावा है कि वह बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और निसंतान दंपतियों को चावल खिलाकर उनकी सूनी गोद भर सकते हैं। आशियाना के बालाजी मंदिर, जिसे श्री बालाजी मंदिर बरिगवान धाम भी कहा जाता है, यहाँ बाबा की प्रबल शक्ति के कारण मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है। जिन लोगों पर भूत प्रेत का साया होता है, उन्हें मंदिर का जल पिलाया जाता है। निसंतान दंपति वाली जैसी समस्याएं हैं, जिन लोगों को परेशानी होती है, तो यहाँ दरबार में आते हैं और बाबा की दरखास्त लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं, काली जी का बंधन कटाते हैं और उसके बाद 1 हफ्ते हम उनको जल पिलाते हैं। बच्चे के लिए बालाजी महाराज की कृपा से ही 1 हफ्ते उनको जल पिलाते हैं। पहले उनको चावल चबाने के लिए बता देते हैं, यहाँ जो उपाय हैं वो उपाय कर लेते हैं, वो लोग 5 मंगर कर लेते हैं, फिर उसके बाद 1 हफ्ते जल पिलाते हैं। तो ये देखा गया है बाबा की दया से 80% लोगों को लाभ मिलता है। जिन औरतों को हम जल पिलाते हैं, मान लीजिए 100 औरतों को हमने जल पिलाया तो 80 औरतों को जरूर लाभ होता है। किसी को उसी महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, किसी के साल भर बाद, किसी के 2 साल बाद, किसी के 3 साल बाद, अगर यहाँ से जल पी के गए हैं तो वो निराश नहीं रहे। 80% लोग ऐसे हैं। पंच दिव्य सामग्री में प्रसाद है जो चावल, भभूति, राई, जल, लौंग, 5 चीज़ें हैं। तो चावल रोज सवेरे चबाने होते हैं। किसी भी व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति है, मान लीजिए अगर आप बीमारियों से परेशान हो, दवाइयां नहीं फायदा कर रही हैं, भूत प्रेतों से परेशान हो, हजारों बाबा दाई देख चुके हो आप, किसी को लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ दरबार में आना है, दरखास्त लगानी है, अर्जी लिखनी है। दरखास्त में 5 रुपये लीजिए, बालाजी महाराज को उतार के डाल दीजिए, भैरव जी महाराज को उतार के डाल दीजिए, दान पत्र में डाल दीजिए, 1 दरखास्त प्रेतराज की लगा दीजिए, उसके बाद अर्जी लिख दीजिए, काली जी का बंधन कटा दीजिए, पंच दिव्य सामग्री के प्रसाद ले लीजिए। तो चावल है रोज सवेरे 3 पुड़िया चबानी है, भभूति खानी है, जल पीना है, राई को उतारा करना है, सुबह सुबह चावल चबा लेने हैं, कुल्ला कर लेना, भभूति खा लेना, बोतल में जल है जल पी लेना है, शाम के समय राई को उतारा कर देना है, लौंग उतार के फेंकनी है। लौंग का उतारा ऐसे करना है, जो 2 लौंग लिया, मत्थे में छुआया, 7 बार उतार के रोगी के ऊपर से नीम के पेड़ पर डाल देना है या पीपल के पेड़ पर डालना है। विनोद कुमार जी महाराज मुंबई के रहने वाले हैं और 15 साल की उम्र में लखनऊ आए थे। उनका कहना है कि उन्हें बचपन से ही सपने में बालाजी का मंदिर दिखता था, जो उन्हें लखनऊ बुला रहा था। इसी खोज में वह लखनऊ के बालाजी मंदिर पहुंचे और यहां बालाजी की मूर्ति मिली। इसके बाद उन्होंने मंदिर का रखरखाव कर इसे एक विशाल मंदिर का रूप दे दिया। धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी और अब यह मंदिर दूर दूर से आने वाले भक्तों से भरा रहता है। सपने में अक्सर मुझे दिखाई दिया करता था कि एक हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, उसको तुम मंदिर की सेवा करो। तो अभी हम वही 15-16 साल की उम्र थी, तो हमने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का। बॉम्बे में रहते थे तो वहाँ भी सपन जब कब आया करता था। फिर जब 90 में यहाँ आए तो यहाँ बिल्कुल जंगल था, एक हिसाब से बहुत झाड़ी जंगड़ थे, कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर हमने यहाँ साफ सफाई कराई तो मूर्ति हमें मिली, फिर मंदिर का जीर्णोद्धार हमने कराया। लोकल 18 के लिए लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी विनोद कुमार जी महाराज के अनुसार है। लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।